अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको मैं पेंटिंग दिखाने वाली हूँ इसकी, जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ। तो आप पहले ड्राइंग देख लीजिए, उसके बाद आपको पेंटिंग दिखाएंगे। तो उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं और मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी अगली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप हमारे हर डिज़ाइन को देख पाएँ। और फ्रेंड्स, अगर आप ऑनलाइन क्लास भी करना चाहते हैं तो हमारे यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, और दिए गए नंबर पे, हमने वीडियो में नंबर डाल रखा है, आप उसको उस पर कॉन्टेक्ट करके डिटेल्स ले सकते हैं। आप व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कीजिएगा, कॉल पे मेरी बात नहीं हो पाएगी। व्हाट्सएप पर कॉल कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं आप, तो आप उस तरह से डिटेल ले सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जो मैं डिज़ाइन कर रही हूँ, इस तरह से कुछ बना रही हूँ। इसी तरह से आपको सारे फ्लावर वगैरह जो लीफ वगैरह बनानी है, तो मैंने आपको थोड़ा सा बना के दिखा दिया है। बाकी पूरी डिज़ाइन आप अभी आगे खुद ही देख लेंगे कि कैसी बनी है, क्योंकि बहुत दूर करने पे जो ड्राइंग है वो दिख नहीं रही है, और पास कर रही हूँ तो पूरी डिज़ाइन आ नहीं रही है। तो इसकी वजह से मुझे क्या है, मैंने सिर्फ एक फ्लावर बना के आपको अच्छे से दिखा दिया, बाकी लीफ वगैरह कैसे बनानी है ये भी मैं आपको बता दी हूँ कैसे कैसे बनाना है। तो जो दिख रहा है वो मैं आपको दिखा रही हूँ, बाकी डिज़ाइन आप आगे चल के पेंटिंग में भी देख सकते हैं, आपको टोटल समझ में आ जाएगा कि डिज़ाइन हमारी कैसी बनी है। बहुत हमने सिंपल सी डिज़ाइन ड्रॉ की है, कोई भी कर लेगा। अगर आप भी डिज़ाइन को देखकर ड्रॉ करेंगे तो ड्राइंग हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड, मैं आपको इसकी पेंटिंग दिखाती हूँ। सबसे पहले लेंगे हम यहाँ पर पर्पल कलर, और हमने जहाँ पर लीफ बनाया है, जो हमारे ड्राॅइंग का बाहरी हिस्सा है, उसमें हमने बिल्कुल किनारे से डिज़ाइन के आउटलाइनिंग के बाहर हिस्से से कलर को आउटलाइनिंग करते हुए उसमें से बाहर की तरफ कलर को अच्छे से ब्लेंड करना है, लाइटली बहुत ब्लेंड करना है। आप देख सकते हैं इस तरह से कलर हमारा अच्छे से इस तरह से पूरा कपड़े पे होना चाहिए, बहुत लाइट सा, और सिर्फ नीचे हमारा डार्क रहेगा, ऊपर लाइट हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरह से हम सारे जहाँ पर हमारी जगह खाली है वहाँ वहाँ पर हम इसको इसी तरह से हर जगह पर कलर को अपने बाहरी हिस्से में फैलाएंगे। तो देख सकते हैं आप, थोड़ा समय करके दिखाती हूँ, उसके बाद पूरा भी दिखाती हूँ कि कैसे हमने किया है, तो आपको बराबर समझ में आ जाएगा। तो जहाँ जहाँ पे हमारी फ्लावर डिज़ाइन के अंदर या फिर उसके किनारे पे साइड में जहाँ भी खाली रहेगा, हमें इसी तरह से कलर जो है लगा लेना है। अपने हिसाब से, अपने चॉइस के हिसाब से आप कोई भी कलर लगा सकते हैं, ब्राउन हो गया, लेमन येलो हो गया, या फिर लाइट ग्रीन हो गया, कोई भी आप कलर डाल सकते हैं। आपको डिज़ाइन किस कलर से करना है उसके अकॉर्डिंग कलर रखें कि आपको कौन सा कलर लगाना है, यहाँ पे कौन सा कलर लगाएंगे कि अच्छा लगेगा, उसी हिसाब से लगाएं। तो मैंने अपने हिसाब से कलर लगाया है, और अभी आगे की वीडियोस जो है, आगे की जो पेंटिंग है उसको भी मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमने कलर किया हुआ है, और ये आप फाइनल डिज़ाइन हमारी देख सकते हैं ड्राॅइंग की, ये हमारी फ़ाइनल डिज़ाइन है। तो हमने हर जगह पर जो है पर्पल कलर किनारे या बीच में जहाँ भी हमारा डिज़ाइन के बाद जो छूटा हुआ था कपड़ा, वहाँ पे हमने पर्पल कलर फिल कर लिया, और कुछ कुछ जगह पे देखिए हमने यहाँ पे ब्राउन का भी शेड दे दिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं थोड़ी थोड़ी जगह पे हमने ब्राउन भी शेड दिया है और ऐसा भी शेड दिया है। तो अब चलते हैं इसमें भरने, कैसे इसको हम पूरा भरेंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ से देखिए बारीक बारीक लाइनिंग मैं इस तरह से जो है डालूँगी, और इस तरह से आप अपने हिसाब से आपको जैसे सही लगे उस हिसाब से डिज़ाइन इस तरह से डाल सकते हैं। और इसको फिल करने का बहुत ही इसी तरीका है, वो भी मैं आपको बताऊंगी, आप देखिएगा। बहुत आसानी से इसको हम फिल करेंगे तो ये जो हमारी जगह है वो भर जाती है, बहुत ही ज़्यादा प्यारी खूबसूरत लगती है। तो देखिए इस तरह से एक साइड करके हमें इस तरह से जो लाइनिंग हमने खींची है एक इधर एक इधर करके थोड़ा थोड़ा लगाना है कलर को, लीफ के जैसा हम बनाएंगे, बहुत छोटा छोटा सा, वो इसमें बहुत ज़्यादा फिनिशिंग देने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए ये हमारा ग्रीन कलर हो गया, अब हम इस पर से वाइट कलर का भी जो शेड होता है उसको भी लगाएंगे। यहाँ पे वाइट कलर देखिए सेम जिस तरह हमने उसको लगाया है उसी पे हम इस तरह से वाइट शेड भी लगाएंगे, देखिए बिल्कुल इस तरह से, और बहुत छोटा छोटा करके लगाएं, मुझसे कहीं कहीं बड़ा हो जा रहा है, लेकिन आप इस तरह से करके छोटा छोटा भी लगा सकते हैं। और इसी तरह से फिर कहीं कहीं ऐसे डॉट डॉट करके इस तरह से देखिए भर देंगे हम, तो हमारी जो जगह है वो पूरी फिल हो जाएगी। देखिए इस तरह से
इस तरह से बारीक बारीक आप उसमें से शेड भी बाहर की तरफ निकाल सकते हैं ग्रीन कलर से। ये हमारी जो है डिज़ाइन बन चुकी है। उसमें हम लाइट ग्रीन भी डाल सकते हैं कहीं कहीं पे फ्रेंड्स, वो और भी अच्छा दिखता है। जैसा कि आप बाजू में देख रहे होंगे कि लाइट ग्रीन लगा है, उसमें लाइट ग्रीन भी डाल सकते हैं वाइट के साथ, तो कलर और भी ज़्यादा खिलता है। तो हमने यहाँ पे सिर्फ वाइट और सैप ग्रीन लगाया हुआ है। और इसी तरह से हम बाकी का भी जो है जहाँ पे ग्रीन कलर हमने लगाया अपने हिसाब से, जहाँ भी आप लगाएं वहाँ पे इसी तरह से आप बनाएं तो बनाना चाहें तो बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा वीडियो को फास्ट करके दिखाती हूँ ताकि टाइम भी ना लगे और आप देख के समझ भी जाएँ। तो इस तरह से देखिए, पहले हमने लाइनिंग कर ली, उसमें से जो लीफ में जैसा हम शेड देते हैं वैसा नीचे की तरफ से हमें शेड दे देना है हल्का हल्का सा। उसके बाद जिस तरह से हमने यहाँ पे बनाया बिल्कुल उसी तरह से हमें उधर भी बना लेना है। तो बहुत इजी और सिंपल है फ्रेंड्स, आप भी बना सकते हैं और इसकी पेंटिंग भी आप कर सकते हैं अगर सीखना चाहते हैं तो। इस तरह की पेंटिंग वगैरह आप अगर सीखना चाहते हैं तो आप हमसे ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं, क्लास कर सकते हैं। मैं क्लास ले रही हूँ, अगर कोई ज्वाइन होना चाहता है तो हो सकता है। दूसरा बैच स्टार्ट होने वाला है इसी महीने के 20 तारीख से, तो उससे पहले पहले आप अगर कांटेक्ट कर लेंगे तो आप भी ज्वाइन हो जाएंगे, अगर लेट करेंगे तो ज्वाइन नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो मैंने वीडियो में नंबर डाल रखा है, आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, आपको सारी डिटेल्स जो है मिल जाएगी। देखिए यहाँ पे इस तरह से हमने शर्ट देना है पहले, इस तरह से देखिए, इस तरह से करेंगे तो आपकी डिज़ाइन और भी भरी और घनी दिखेगी। ठीक है, यहाँ पे ये हो गई हमारी डिज़ाइन ग्रीन कलर वाला जो हमारा सब काम है, इस तरह से हम पूरा उसको करेंगे। तो यहाँ पे ग्रीन काम हो गया, अब इसके आगे का भी बताते हैं। यहाँ पे हमने सब चीज़ ग्रीन कलर का हमारा हो गया, अभी देखना ये डिज़ाइन है धीरे धीरे कर करके पूरी डिज़ाइन एकदम अच्छे से फील हो जाएगी किनारे से और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो लीफ है उसको हाफ पार्ट में मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर लगाया और इस तरह से शेड दिया है, आप देख ही सकते हैं। और फिर ऊपर से इस तरह से वाइट कलर का शेड लगाएंगे, वाइट कलर थोड़ा ज़्यादा लेंगे और इस तरह से ऐसा लेंगे कि उसमें हमारा कलर जाके बिल्कुल अच्छे से शेड हो जाए और बहुत ज़्यादा ना हो ना कम हो। और लेकिन इसमें वाइट कलर ज़्यादातर वाइट दिखना चाहिए क्योंकि हमने किनारे पे जो है कलर फिल किया हुआ है, तो उस हिसाब से वाइट कलर इसमें ज़्यादा लगेगा, लाइट थोड़ा कम, ग्रीन शेड थोड़ा कम लगेगा। हमें लाइट लीफ चाहिए होगी इसके लिए वाइट कलर का शेड ज़्यादा देंगे। और अभी देखो हमने नीचे से ग्रीन शेड दिया था और यहाँ पे उसके साइड में वाइट शेड लगा रही हूँ और ऊपर से यहाँ पर देखिए लीफ का शेप देते हुए इस तरह से सैप ग्रीन ऊपर से लगा रही हूँ देखिए वाइट शेड पर। और बहुत ही बचा बचा के यहाँ पे अच्छे से संभाल संभाल के लगाओ ताकि आपकी जो लीफ है बिल्कुल परफेक्ट और अच्छी सी बने। यहाँ पे इस तरह से अगर लगाने के बाद आपको लगे कम है तो यहाँ पे वाइट कलर फिर से दोबारा से लगाएं इस तरह से और उसी में से शेड को दोबारा से सही कर दें। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से हमारी लीफ जो है तैयार हो गई है। और इसी तरह से हम दूसरी लीफ को भी बनाएँगे और वहाँ पे भी जहाँ पे आप देखिएगा ध्यान दीजिएगा कि जहाँ पे हमने वो लगाया है वाइट कलर वहाँ पे हमारा डार्क लगा। तो सबसे पहले मैं ब्लू कलर और लगा देती हूँ क्योंकि जो सैप ग्रीन है उसका कलर थोड़ा हल्का लग रहा है, तो यहाँ पे हल्का हल्का सा हमें जो हमारा कॉर्नर जगह जो हमारी वहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा सा डार्क शेड लगा देते हैं ब्लू का, तो हमारी लिप जो है और उसमें चमक आ जाती है, मतलब और अच्छी दिखती है। तो चलिए हम आपको दूसरी लीफ भी बता देते हैं। यहाँ पे जो साइड वाली पंखुड़ी थी वो हमारी इस पंखुड़ी, ये जो साइड वाली लीफ है फ्रेंड्स वो ये वाली लीफ से ऊपर है, तो पहले हमें यही लीफ बनानी चाहिए थी लेकिन फिर भी मैं बना के दिखा रही हूँ क्योंकि सब तरह से करना ज़रूरी है, सब ना हर तरह से करूँगी तो आपको समझ में भी आएगा कैसे करना है। तो यहाँ पे जो पहले जो लीफ हमने बनाई थी तो उसका इधर वाइट कलर का पार्ट है तो उसके नीचे हमने डार्क शेड लगाया, जैसे कि आप देख सकते हैं वाइट कलर की जगह हमने अंदर जो है सैप ग्रीन लगा लिया डार्क शेड,
और ऊपर की तरफ हमने कर दिया वाइट सेट। अब यहाँ पे एक तरफ का सेट हमारा जो है बन चुका है। अब यहाँ से ऊपर की तरफ रहेगा वाइट सेट, ऊपर से वाइट शर्ट पहले करें, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे ग्रीन शर्ट रहेगा क्योंकि हमारा नीचे से डार्क शेड है ना, तो ऊपर से हमारा डार्क शेड रहेगा, नीचे से वाइट रहेगा। जैसे कि अभी देख सकते हैं आप, सेफ ग्रीन लगाने के बाद यहाँ से वाइट शर्ट को लगाएंगे, अच्छे से उसको शेड करेंगे। इस तरह से तो बाकी की लिप भी हमारी इसी तरह से बनेगी जैसे हमने ये लिप बनाई है, इसी तरह से समझ के आप बना लीजिए। दो लिप हमने आपको करके दिखा दिए, उम्मीद है कि आप बना लेंगे। और यहाँ पे अभी मैं आपको छोटे फ्लावर बना के दिखाती हूँ किस तरह से इसको बनाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल जो हमारा फ्लैट ब्रश है 2 नंबर का ये बिखर गया है, तो वो थोड़ा मतलब कलर जो हमारा जो ब्रश वो थोड़ा फैल गया है, तो उसकी वजह से अच्छे जो बन रहे हैं जो पत्तियाँ बन रही है वाइट कलर की, देख रहे हैं पंखुड़ियाँ बन रही, छोटी छोटी बारीक बारीक फ्लावर बन रहे हैं, वो नोक से ही सिर्फ बन जा रहे हैं। और अगर आप इस तरह के फ्लावर अपने मतलब बनाना चाहते हैं तो 5 नंबर का पेन ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने बना लिया है, अब यहाँ पे थोड़े थोड़े करके ग्रीन कलर का शेड डाल देंगे, तो इससे जो है खूबसूरती और भी ज़्यादा हो जाती है। ये छोटे फ्लावर आपने देख लिए कि किस तरह से बनाना है, और ये फ्लावर भी मैं आपको बताती हूँ किस तरह से बनाना है। पहले यहाँ पे बीच में जो है डॉट दे लूँ येलो कलर का, और यहाँ पे देखिए हमने एक तरफ वाइट और एक तरफ जो है ब्लू कलर लिया हुआ है, और उससे ये फ्लावर बना रही हूँ, छोटे छोटे बूटियाँ जो है बना रही हूँ, और ये काफ़ी अच्छी लगती है जैसा कि आप देख सकते हैं। ये जो फ्लावर हमारी डिज़ाइन जो बनती है उसके कॉर्नर के हिस्से पे जहाँ पे जगह खाली लगती है वहाँ पे हम ये फिल कर देते हैं, तो ये हमारी डिज़ाइन जो है और भी ज़्यादा अच्छी दिखने लगती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन दिख रही है। और इसी तरह से हमारी देखिए अब ये फ्लावर मैं आपको बताती हूँ इस तरह से छोटे छोटे जो है छोटा सा सर्कल बनाना है, और सारी पंखुड़ियों में शेड को रेड कलर को ऊपर की तरफ खींच देना है, और फिर इस तरह से यहाँ पे हमने 3 नंबर का ब्रश लिया हुआ है, और इसको हमने किनारे से थोड़ा सा कटिंग करके यू शेप दे दिया है। नीचे से सर्कल टाइप का शेप है, हाफ सर्कल जैसा, तो उसी से ये देखिए फ्लावर बना रही हूँ, वाइट का शेड लगा रही हूँ, और आप देख सकते हैं फ्लावर कितना अच्छा सा दिख रहा है, और ये बहुत ही अच्छा दिखता है। इस तरह के छोटे छोटे फ्लावर अपने सूट पर अगर आप बनाते हैं तो आपका सूट भी बहुत अच्छा दिखेगा, और ये डिज़ाइन अगर इस तरह की छोटी डिज़ाइन करके सूट पे डालते हैं तो डिज़ाइन भी जो है आपकी बहुत ही प्यारी लगने वाली है। इस तरह से आप अपने सूट पे भी डिज़ाइन डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा जो है फ्लावर तैयार हो चुका है, और इसको भी हम कहीं कहीं इसमें जो जगह खाली है उसमें वाइट कलर के छोटे छोटे बूटे डाल देंगे, जिनसे हमारा जो जगह है खाली सी वो पूरी भर जाएगी, और जो हमारी डिज़ाइन है वो काफ़ी अच्छी और ख़ूबसूरत दिखेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हो गया। अब चलिए हम आपको जो है अपनी पेंटिंग दिखाते हैं कैसे करना है। तो यहाँ पे फ्लावर के लिए लिया हुआ है हमने लाइट पिंक कलर, और साथ ही हमने लिया है वाइट कलर, और हमने ब्रश में थोड़ा सा पिंक पहले से लगा रखा था, और उसी में वाइट शेड लेके इसका शेड बना रही हूँ। तो आगे की पंखुड़ी मैं करूँगी तो आपको समझाऊँगी किस तरह से बनाना है। अगर आप नीचे भी पहले पिंक कलर का शेड देकर ऊपर से बनाएंगे तो भी आपका शेड जो है अच्छा बनने वाला है। और ये रहा हमारा पिंक कलर, और ये देखिए इस तरह से शेड को हमें अच्छे से करना है, यहाँ तक जहाँ तक हमारी पंखुड़ी रहेगी वहाँ तक हमें कलर को इस तरह से लगाना है, और दूसरी तरफ जहाँ से पंखुड़ी हमारी गोल रहेगी वहाँ पे हमारा वाइट शेड रहेगा घुमाते हुए, जैसे कि आप देख सकते हैं बनाऊंगी मैं किस तरह से। अब इसमें हमें चाहिए होगा रेड कलर, क्योंकि पिंक बहुत लाइट हो जा रहा है, तो हमें नीचे के हिस्से पर लगाना पड़ेगा पिंक कलर रेड कलर,
साथ में जब हम रेड कलर का शेड देंगे तो नीचे वाला जो हमारा शेड है वो डार्क हो जाएगा। तो ये रेड लेंगे, यहाँ से बिल्कुल नीचे से लगाते हुए इस तरह का शेड देंगे, जिससे हमारा शेड जो है थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। सिर्फ लगाने के बाद थोड़ा सा कलर हमारा जो है हल्का हो गया, तो इसको फिर से दोबारा से वाइट कलर थोड़ा थोड़ा लगा के इसको सही कर देते हैं, क्योंकि हमें इसमें वाइट शेड ज़्यादा चाहिए। और इस तरह से देखिए हमारी जो पंखुड़ी है वो तैयार हो चुकी है, और इसी तरह से हम दूसरी पंखुड़ी भी बनाएंगे फ्रेंड्स। देखिए इस तरह से आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से बना रही हूँ। बिल्कुल ब्रश को हमने फ्लैट रखा हुआ है और उसी से जो है कलर लगा रही हूँ, अपने जो फ्लावर का जो शेप है उसको देते हुए, फिनिशिंग देते हुए मैं शेड को नीचे की तरफ खींच रही हूँ वाइट शेड को। और उसके बाद देखो यहाँ पे, और कलर वाइट कलर लगाने के बाद ब्रश को वॉश कर लें, नहीं तो कलर आपका और भी ज़्यादा लाइट हो जाएगा। तो इसलिए ब्रश को वॉश कर लें, उसके बाद जो है रेड शेड या पिंक शेड जो भी आप लेते हैं उसको लीजिए। इस तरह से लेने के बाद इस तरह से शेड देंगे, और इस तरह से लगाने के बाद हमारा कलर थोड़ा पिंक वाला लाइट हो जाता है, तो इस पर हम यहाँ से थोड़ा सा रेड कलर और लगा देंगे। अब ऊपर से फिर से वाइट कलर लगाएंगे और उसको सही करेंगे। ब्रश से वाइट कलर धुल लेंगे, उसके बाद देखिए यहाँ पे रेड कलर लगा के उसके बाद इस तरह से शर्ट को सही करना है। और इसी तरह से हमें एक एक पंखुड़ी अपनी बनानी है। अभी यहाँ पे तीसरी पंखुड़ी में बना रही हूँ, पिंक शेड लगाएंगे और इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे जब शेड हम देंगे तो उसको घना सा बनाना है, लाइटली बिल्कुल नहीं बनाना है, घना बनाना है, ताकि जब आप दूसरा वाइट शेड लगाएं जब इसके ऊपर चढ़ाएं तो आपका जो है कपड़ा वो छिप जाए। कभी कभी होता है कि हमारा शेड अगर हल्का रहता है तो हम जब दूसरा कलर लगाते हैं तो कपड़ा दिखता है हल्का हल्का अंदर से, तो अच्छी पेंटिंग अच्छी नहीं होती है। तो भरपूर कलर लगना चाहिए अच्छे से और हमारा शेड भी बनना चाहिए। देखिए इस तरह से पे जो है तीसरी पंखुड़ी हमारी बन रही है, तो यहाँ पे ठीक है इधर भी बना के दिखाते हैं। अगर आपके ब्रश में वाइट पिंक कलर लगा है तो वाइट कलर थोड़ा ज़्यादा लें, ताकि जो कलर है वो अच्छे से मिक्स होके अच्छा सा शेड आ जाए। ठीक है, अगर आपका कलर लगा भी रहता है तो वाइट कलर आप थोड़ा ज़्यादा करेंगे तो भी आपका शेड अच्छा सा आ जाएगा। ब्रश को धुलने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें वाइट में जो हमारा पिंक शेड है वो मिक्स होके आना चाहिए, अगर वो आएगा तो और भी फ्लावर अच्छा दिखेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से हमें कुछ शेड को अपने देना है, और जब भी ये शेड बनाएं आप ब्रश को अपने कपड़े को जो है जिधर आपको सीधा लगे करने में सही लगे फ्रेम को उस तरफ घुमा के कीजिएगा। और यहाँ पे देखिए थोड़ा थोड़ा इस तरह से जहाँ पे हमारा कटिंग रहेगी वहाँ पे थोड़ा थोड़ा यहाँ कलर लगा के उसको इस तरह से अच्छे से उसको ब्लेंड करेंगे। देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा डार्क करना है ऊपर की साइड, सब में बनाना है इसी तरह। और ये देख सकते हैं हमारी जो पंखुड़ी है कितनी प्यारी सी लग रही है। एक पंखुड़ी और बची है, इसमें भी हमें शेड लगाना है। और ये देखिए इस तरह से पिंक लगाने के बाद वाइट शेड हमें ज़रूर देना है फ्रेंड्स, याद रखें। देखो मैं ये उल्टा शेड दे रही हूँ, लेकिन फ्रेम को आप अपनी तरफ घुमा लेंगे तो बहुत ही अच्छे से शेड दे पाएंगे। जैसा कि मैंने अभी थोड़ा सा फ्रेम घुमा लिया है, अब मुझको ये बिल्कुल सीधा लग रहा है करने में, थोड़ा सा और घुमाना चाहिए इसको, लेकिन मैं बना लूँगी इतने में। लेकिन आप जब भी बनाएं अपनी तरफ फ्रेम को अच्छे से बना के
आपको जैसा परफेक्ट लगे उस तरह से बनाइएगा, नहीं तो जो है पेंटिंग आपकी जो है शेड आपके नहीं बनेंगे, टेढ़े ओढ़े टेढ़े हो जाएंगे, तिरछे हो जाएंगे, इस तरह का शेड आते हैं। अगर सही नहीं पड़ता, कंफर्टेबल नहीं रहता है तो शेड हमारा जो है सही नहीं आता, परफेक्ट जैसा आना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लावर जो है हमारा पूरा हो चुका है। बस इसी तरह से जिसे हमने हर पंखुड़ी में यहाँ पे डार्क शेड दिया है, उसी तरह से पिंक कलर लेके यहाँ पे हमें डार्क शेड दे देना है और ये हमारा फ्लावर जो है तैयार हो चुका है। तो आप अब देख ही सकते हैं कि कितना खूबसूरत सा फ्लावर लग रहा है। तो फ्रेंड्स, वीडियो आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ी हो गई है, इसको हमने बहुत एडिट करके बहुत इसको छोटा सा किया है, कहीं पे फास्ट कर दिया है और कहीं पे वीडियो ही कट करके हमने निकाल दी है सिर्फ वीडियो को छोटा करने के लिए। तो इसका अगला फ्लावर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हमने कुछ देर के लिए वीडियो को जो है पुश किया था तो कॉल आ गई और उसकी वजह से हमारा जो है यहाँ पर मैं दिखा नहीं पाई थी, तो फिर से आपको दिखा देती हूँ। पहले हमें बीच में गोल्डन येलो फील कर लेना है, उसके बाद यहाँ नीचे से ब्राउन शेड देना है, फिर ऊपर से इस तरह से ब्राउन शेड थोड़ा सा दे देना है, वो भी चाँद से या जैसा चाँद का शेप होता है उस तरह से नीचे देना है ब्राउन शेड और उसके बीच में देना है। और उसके बाद क्या करना है, जहाँ पे लेमन येलो दिख रहा है वहाँ पे इस तरह से वाइट कलर से डॉट डॉट करके लगा देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बीच वाला पार्ट आप बना सकते हैं, बहुत ईजी तरीके से आप बना सकते हैं, बहुत ही सिंपल है ये, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो है फ्लावर रेडी हो चुका है और यहाँ पे हम लगाएंगे ब्राउन कलर से थोड़ा थोड़ा यहाँ पे डॉट डॉट कर देंगे बारीक बारीक। आप ये जो है 0 नंबर ब्रश या फिर 1 नंबर ब्रश से नोक से डॉट देंगे तो आपका जो डॉट है वो अच्छा सा बनेगा। और मैं फ्लैट ब्रश से बना रही हूँ क्योंकि मुझे प्रैक्टिस है इसके लिए बना रही हूँ, लेकिन आप इससे ना बनाएं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं हमारा फ्लावर जो है कम्प्लीट हुआ। नेक्स्ट फ्लावर में मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, कैसी लगी वीडियो आपको कमेंट बॉक्स में बताइए ज़रूर। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।